السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. وصف الصيد مختارات ثاني للشيخ أبي الحسن علي الندوي. فلم نعج، دوسري لاين، فلم نعج إلا والضواري لائحة لهن من بعد الغاية. لم نعج يعني لم نعطف، عاج يعوج اسكي معنى مرنا ركنا وقف وعطف. مرنا كسي جگه पर रुकना उसको आ जाए उजो। फलम नउज लम नलबस के मायने में है यहां। तो जैसे ही हिरन नजर आए, नहीं रुके के इल्ला वद्दवारी लाइहतुन लहुन्ना, के शिकारी जानवरों ने लाइहतुन लहुन्ना, उनको देख लिया। मिम बौदिल गायति, इंतहाई दूरी से, इंतहा की दूरी से उनको देख लिया, यानी इंतहाई दूरी से उनको देख लिया। व मुंतहा नजर शाखिसी लाहा, यहां देखने के मायने में है गालिबन, इसलिए कि ऊपर ये बता चुके हैं कि हिरन को तो शिकारी नजर नहीं आ रहे थे, इसलिए कि कोहरा था, तो उनको शिकारी नजर नहीं आ रहे थे, लेकिन ये शिकारी जानवरों ने और कुत्तों ने उनको देख लिया। देख लेते हैं, लुगत में लाहा के मायने देखने के आते हैं क्या। लाहा यलूहु ज़हरा बदा व फुलानुन लौहन अतशा इला शय وإلى الشيء لوحا نظر إليه من بعيد. نظر إليه من بعيد آیا ہے، إلى سلے کے ساتھ دیا ہے، لیکن یہاں لام کے سلے کے ساتھ آیا ہے، تو لاح إليه أي نظر إليه من بعيد، دور سے دیکھنا، یہاں یہی معنی हमें मुनासिब लग रहे हैं, इसलिए कि ऊपर बता चुके हैं कद अहालत हुन्न ज़बाबतु, कोहरे ने उनको हमें देखने से रोक लिया है, और बागात की खुशहाली ने और खूबसूरती ने, खूबसूरत मंजर ने उनको गाफिल कर दिया हमारी आहट को सुनने से। तो वो तो गाफिल थे हिरन, अब ये कैसे होगा कि शिकारी जानवर उनको नजर आ गए लाइहतुन लहुन्ना, ये बिल्कुल मुखालिफ मायने हो जाएंगे। बल्कि मतलब यह है कि वो गाफिल थे और हमारे जानवरों ने लाइहतुन लहुन्ना, उनको देख लिया, यानी हरन को, बवारी शिकारी कुत्ते, शिकारी जानवर, मिम्बोदिल गायती इंतहाई दूरी से, व मुंतहा नजर शाखिसी और देखने वाले की नजर की मुंतहा से उनको देख लिया। शाखिस नाजिर के मायने में, यानी ताहद निगाह से उनको देख लिया। सुम्मा मद्दतिल जवारिहो, जैसे ही नजर आए हिरन इन जानवरों और परिंदों को, तो शिकारी परिंदों ने अपने पर फैलाए शिकार करने के लिए। वजतजबतिल ज़वारी मकाविदहा,
और शिकारी कुत्तों ने अपनी रस्सियां खींची, मकवद की जमा मकाविद रस्सी, इसलिए कि उसके जरिए से क़यादत की जाती है, यानी हांका जाता है। तो मकवद हांकने का जरिया, रस्सी के जरिए से चलाया जाता है। तो इसमें आला है मकवद, उसकी जमा मकाविद है, रस्सी के मायने में आ जाता है। बारी शिकारी जानवर ने अपनी रस्सियां खींची, फअमर तो भी इरसालिहा, मैंने भी उनको छोड़ने का हुक्म दे दिया कि छोड़ दिया जाए कुत्तों को शिकार करने के लिए। अला सिकत बिमुहबरिहा, ये महजर, इसमें ये मजदर मीमी है अहबारा युहदिरो एहजारन का, और अहजारा के मायने तेज दौड़ने के आते हैं। आगे सुरअत से इसकी ताइद होती है कि ये महजरहा तेज दौड़ने के मायने में है। तो जवारी को मैंने छोड़ने का हुक्म दे दिया, अलसिकत एतिमाद करते हुए उनके दौड़ने पर, उनकी शिद्दत जरी पर और ज्यादा तेज दौड़ने पर कि दौड़ के पकड़ लेंगे फौरन। और नीचे जो महजर इसको करार दिया है, महजर हुजूर, हजारा या हजूरों का मसदर मीमी, ये यहां मरजूह है क्योंकि सुरअत के मायने में है, आगे सुरअत से उसकी तशरीह हो रही है। अखबारा लुगत में आप देखेंगे पता चल जाएगा, एहजार तेज रफ्तार को कहते हैं, उनकी तेज रफ्तार पर एतिमाद करते हुए। वह सुरअत जवारिही, और शिकारी जानवरों की तेजी पर एतिमाद करते हुए हिरन के पीछे जाने में, उनकी तलब करने में कि वो तेज दौड़ के इतने दूर भी पकड़ सकते हैं। फमर्रत, वो गए तहफ्फो शन से तेजी के साथ गए, हफ्फा या हफ्फो, ये आवाज निकलती है शन से किसी चीज के जाने की, उसको कहते हैं, हवा की आवाज को भी कहते हैं हफ्फत रीह। तो ऐसे शन से गए जैसे हवा चलती है, इंद हुबूबिहा, हवा की आवाज जैसे निकलती है चलते वक्त, तो सिफुल अर्द सफन, और वो जमीन से चिपक कर चल रहे थे ताकि एकदम पकड़ लें उनको, नजर ना आए। तो सिफुल अर्द सफन, असफा नीचे होने को कहते हैं, अल इस्फाफुल खुलुकी कहते हैं इन इताअत को। काशिफतन अन असरारिहा, अपने नक्श कदम खोलते हुए, काशिफतन अन असरारिहा, और इसके मायने ये भी हो सकते हैं कि वो हिरन के नक्श कदम तलाश करते हुए, हाकि जमीर जीबा की तरफ लौटाना ज्यादा बेहतर होगा। काशिफतन यानी मुख्तफियतन ले आसारिहा, उनके आसार, उनके नक्श कदम को तलाश करते हुए, यानी उसी के पीछे वो गए जिस रुख पर हिरन थे। पालिबतन लिखियारिहा, और अच्छे जानवरों का पीछा करते हुए, उनमें भी जो जानवर ज्यादा खूबसूरत और ज्यादा बेहतर है उसकी तलब में गए वो। हारिशतन भी अजफारिहा, ये सब हाल बन रहा है, वो गए उनके नक्श कदम तलाश करते हुए, उनके उम्दा से उम्दा जानवरों को तलाश करते हुए, अपने नाखूनों से नोचते हुए। हराशा या हरीशु मैंने शिकार करना, नोचना। कद मज़्ज़क़त था, उन्होंने उनको चीर दिया, यानी हिरनों को, जानवरों को, शिकारी कुत्तों और परिंदों ने हिरन को चीर दिया। तमजीक़ रीह अल जरादा, जैसा कि हवा अलजरादा टिड्डियों को तितर बितर कर देती है। फमिन साइहिन बिहा, तो अब बाज लोग, ये साइह शिकारी आदमी की सिफत है, साइहिन नाइरिन, और बिहा की जमीन लौट रही है ये शिकारी कुत्तों की तरफ और शिकारी परिंदों की तरफ। बाज शिकारी लोग वो अपने कुत्तों को पुकार रहे हैं, नाइरिन, उनका नारा लगा रहे हैं, नारा लगा नहीं, आवाज बुलंद करना। वो हातिफिन बिहा, उनकी दुहाई दे रहे हैं, तीनों के एक मायने। हतफा साह नारा,
नाका के मायने भी वही है और खूब चिल्ला रहे हैं चारों के मायने के। यदुल कल्ब बिस्मिही, और कुत्ते को उसका नाम नाम लेकर पुकार रहे, अरे मोती वाह वाह तूने खूब कमाल किया, अच्छा पकड़ा, आजा आजा। वो युफद्दी ही भी अभी ही वो उम्मी, और उस पर फिदा कर रहे हैं अपने माँ बाप, मेरे माँ बाप फिदा का अभी वो उम्मी मोती। वराकिज़िन तहता मिफरिही मिन सायहिन वो मिन राकिज़िन, और बाज शिकारी लोग वो एड़ लगा रहे हैं अपने घोड़े के नीचे, नीचे का मतलब यानी पेट के उनके यानी पांव जहां होते हैं पांव से एड़ लगा रहे हैं, मिफर घोड़े को कहते हैं, तेज दौड़कर घोड़े से वो शिकारी जानवरों को पकड़ेंगे हम जिनको कुत्तों ने जख्मी कर दिया होगा, उस शिकार को वो पकड़ने के लिए मिफर अपने घोड़े पर एड़ लगा कर गए। वो खाफिकिन, अब यहां से ये थोड़ा इसमें तआरुज हो गया कि अभी तक तो शिकारी लोगों की सिफत आ रही थी, अब बज़ाहिर खाफिकिन ये जो शिकार है उसकी सिफत आई है। खाफिकिन यतलुबुहु रुमहु, खफक माने फड़फड़ाना या तड़पना, बाज शिकार तड़प रहा था कुत्तों ने फाड़ दिया था तो यतलुबुहु रुमहु, और नेजा उसके पीछे फिर जा रहा था, नेजे से मारा ताकि वो तड़पना उसका बंद हो जाए और फिर वो ठंडा हो जाए। وَخَافِقٍ يَطْلُبُهُ الرُّمْحُ وَطَامِحٍ, ظاہر ہے اگر بسم اللہ پڑھ کے تیر پھینکیں گے تب بھی حلال ہوگا شکار, وَطَامِحٍ, اور بعض جانور ہیں جو سرکش ہیں یعنی ابھی قابو میں نہیں آ رہے ہیں کتوں کے زخمی ہونے کے بعد بھی, يَمْنَعُهُ, تو يَمْنَعُهُ الرُّمْحُ, تو نیزہ جو پیچھے سے گیا اس نے ان کو روک لیا قابو میں کر لیا, وَسَانِحٍ, اور بعض سانحین, اب اس کو آپ کتے کی صفت بھی بنا سکتے ہیں اور شکار کی صفت بھی بنا سکتے ہیں, بعض شکار وہ دہی طرف سے آ رہے ہیں, قد عارضہ, اس کے مقابلے میں عارضہ بارحن, بعض بہی طرف سے آ رہے ہیں یا کتا لا رہا ہے شکار کو, یہ تو یہ تینوں طرح کی چیزیں اس میں مل گئی ہیں, आदमी की सिफत भी हो गई है शिकार करने वाले की, जिसको शिकार किया गया है वो और शिकारी जानवर, तीनों की तरफ ये चीजें लौट रही हैं। कद हैयरतन अलकसरतु, कोई शिकार दाहें से आया, सानह दाहें से दाहीं तरफ आने को कहते हैं, सनहा, और बराहा बाईं तरफ जाने को कहते हैं, तो कोई दाहें से दाहीं तरफ आया कोई बाईं तरफ आया, قد حیرتنا الکثرت, اور شکار کی کثرت نے ہمیں حیران کر دیا, والہجتنا القدرت, اور ہمیں مست کر دیا قدرت نے شکار پر, حتم تلعت ایدینا, یہاں تک کہ ہمارے ہاتھ بھر گئے مختلف قسم کے شکار سے, واللہ المنعم الوہاب, اللہ ہی تعالی عطا کرنے والا اور انعام فرمانے والا ہے, وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی النبی وعلى آله وأصحابه أجمعين, أما بعد, ایک دن کا سبق اور بچا ہے, وصف السيد.